नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 8 बज गए हैं और 8 बजते ही बिहार के जो 40 लोकसभा क्षेत्र का जो मतगणना है उसका काम शुरू हो गया है। बिहार में 38 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर 5 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 33 जिले हैं वहाँ पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कुछ जिलों में 2 लोकसभा क्षेत्रों के मतगणना हो रहा है, जिसमें बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, छपरा इन और मधुबनी, इन जगहों पर 2 लोकसभा क्षेत्र के मतगणना शुरू हो गए हैं। बाकी के जो 5 जिले हैं जैसे शिवहर, लखीसराय, सहरसा, अरवल, इन जगहों पर चूँकि छोटा ज़िला है लिहाजा 2 जिलों को मिलाकर के वहां पर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है, तो इन जगहों पर मतगणना नहीं हो रहा है। बाकी के 33 जगहों पर जो 40 लोकसभा क्षेत्र हैं उसके लिए मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। मोतिहारी में पश्चिम चंपारण और शिवहर लोकसभा क्षेत्र का मतगणना शुरू है, जबकि बेतिया में वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का मतगणना चालू हो गया है। वहीं छपरा की बात करें तो छपरा में 2 लोकसभा क्षेत्र का मतगणना केंद्र बनाया गया है, उसमें एक है छपरा और दूसरा है जो उस इलाके का ही जो क्षेत्र आता है वो है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 40 लोकसभा क्षेत्रों का जो मतगणना का कार्य है वो शुरू हो गया है। कुछ देर शुरुआती में जो सर्विस वोटर्स होते हैं उनकी काउंटिंग होती है तो उसकी काउंटिंग चल रही है, और उसके बाद जो फिर से बाकी के जो काउंटिंग होंगे तो कुल मिलाकर हैं तो 9 बजे तक जो पहला रुझान है वो आने की संभावना है। हमारी पूरी नज़र है, हम हर अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।